पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। इस न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम, और सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी जी से। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहले जब लोजपा से एनडीए का गठबंधन था तो यहाँ के सिटिंग विधायक राजू तिवारी थे, लेकिन अब चूंकि लोजपा से बीजेपी और जेडीयू जैसे समर्थित पार्टियों का गठबंधन नहीं हो सका, इसलिए लोजपा ने भी अपने यहाँ पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो ऐसे में राजू तिवारी जो सिटिंग कैंडिडेट हैं वो फिलहाल लोजपा के से जो है प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यह सीट महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के ब्रजेश पांडे यहाँ के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो है राजू तिवारी हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील मणि तिवारी जी, तो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत। सीधे आपसे हम बात कर रहे हैं कि मुद्दों पे आते हैं कि इस बार जो आप चुनावी मैदान में हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा इस क्षेत्र के लिए क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये गोविंदगंज का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्र जो अभी पहाड़पुर का क्षेत्र जो गोविंदगंज में पड़ा है ब्लॉक का, उसमें कहीं रोड नहीं दिखाई दे रहा है, गड्ढा है। हम तो बहुत जगह कहा जगह हम लोग पैदल चल रहे थे तो बुझाएंगे गिर जाएगा, इसी पश्चिमी सिसुआ में तो रोड की बहुत दिक्कत है, विकास नहीं हुआ है। तो हम मेरी प्रथम प्राथमिकता होगा रोड, जैसे नरेंद्र मोदी के रीजन में था कि सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, तो उन्होंने सब कर दिया, लेकिन सुदूर देहात में रहने वाले लोगों का इस पहाड़, खास करके गोविंदगंज विधानसभा के पहाड़पुर प्रखंड में ये विकास नहीं हुआ है, नगण्य हुआ है। तो इसकी प्रथम प्राथमिकता मेरी होगी उसके विकास करने के लिए, और गोविंदगंज में जो विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाएंगे और अपराध मुक्त गोविंदगंज को बनाएंगे। सड़कों की स्थिति आपने बताया कि गड़बड़ है यहाँ पर, इसके लिए किन्हें आप जिम्मेदार मानते हैं? सड़कों की स्थिति गड़बड़ है तो जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार मानते हैं। अगर जनप्रतिनिधि इस पर अगर अपना ख्याल रखे रहते हैं तो लीक कर दिए रहते तो ये काम अब तक बन गया होता। इधर चूंकि हमारे यहाँ दियरा क्षेत्र है तो दियरा क्षेत्र में जैसे कि बिजली का जो पूरा चला, तो आज आप अगर जाइए तो बिजली भी दियरा क्षेत्र में है, बिजली पूरा दियरा क्षेत्र में है। हम लोग भी जब देखते हैं तो माने अनुभव होता है कि दियरा में नदी किनार पर भी बिजली जल रहा है, शौचालय है, लेकिन जो सुदूर गांव के जो देहात का रोड है वह बड़ा गड़बड़ रोड है। अभी भी रोड गड़बड़ है, इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो इसका दोष जनप्रतिनिधि को जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो थे अब से कुछ समय पहले तक उनसे ही आप लोगों का ही गठबंधन के थे, तो क्या उस समय जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है कोशिश नहीं किए इन चीज़ों के लिए? देखिए, गठबंधन में हमारे साथ थे, हमसे हम लोगों के चूंकि बड़ी दल हम लोगों का है तो हम लोगों से कोई राय भी नहीं लेते थे, और उनको अगर ये उस पर नहीं गया होगा नज़र, चाहे नज़र गया होगा तो नज़रअंदाज किए होंगे, चूंकि सत्ताधारी दल में थे तो ये करना उनका फ़र्ज था। मान लीजिए जब तक कोई जनप्रतिनिधि लिखेगा नहीं तो ऊपर से सत्ता वाला लोग उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये कमी होता है नीचे के लोगों का। अगर सत्ताधारी दल के आप थे उस समय तो आप अगर इसको जिक्र किए रहते, बताते रहते तो ये काम हो गया रहता, कहीं ना कहीं दिक्कत है। इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सुनील मणि तिवारी जी बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और केसरिया नगर परिषद के अरेराज नगर परिषद के जो है चेयरमैन भी रहे हैं, तो एक राजनीतिक रूप से हमेशा से सक्रिय रहे हैं, संघ से जुड़े व्यक्तित्व के हैं, और ये जो है पहली बार चुनावी मैदान में हैं। तो सुनील मणि तिवारी जी, आप पहला एक्सपीरियंस है आपका, और पहले एक्सपीरियंस में बड़ा कॉम्प्लेक्सिव मामला हो गया है। देखिए, चुनाव लड़ना मेरा अपने लिए पहला बात नहीं है,
चूँकि हम जब कॉलेज लाइफ में थे तो विद्यार्थी परिषद का राजनीति करते थे, संघ से निकले थे विद्यार्थी परिषद, जब कॉलेज से निकले तो बीजेपी में हम आए और बीजेपी के हम प्रखंड अध्यक्ष थे। उस समय गोविंदगंज में आपका 33 पंचायत होता था, तो जो पहले जो हमारा जो 30 पंचायत था उसका हम एकमात्र अध्यक्ष थे, बड़ा प्रखंड था और उसी प्रखंड के हम अध्यक्ष थे। और जब चुनाव होता था तो हम चुनाव प्रभारी भी बन जाते थे, पहला एक्सपीरियंस था। तो चुनाव तो लगभग हम एमपी का चाहे एमएलए का लगभग हम 15-16 चुनाव लड़ाए हुए हैं और मैं स्वयं भी नगर परिषद का चुनाव लड़ा हूँ, जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ, तो चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस मुझे है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है इसको मुझे बाखूबी ज्ञान है और मैं लड़ता हूँ, पब्लिक के बीच में जाता हूँ, पब्लिक से मैंने अपना बात करता हूँ। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि जब चुनाव के मैदान में जाता हूँ तो पब्लिक से हमको प्यार मिलता है, हमको पब्लिक से बात करने में कोई हिचक बात नहीं होता है। इस बार लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं आप, इसमें कहीं ना कहीं आप ही के अपने लोगों से एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आपकी फाइट होने वाली है। एलजेपी यहाँ से यहाँ सिटिंग कैंडिडेट रहे हैं राजू तिवारी, और जो आप जो एलजेपी और बीजेपी के जो वोटर्स थे उन्होंने ही उन्हें जिताया था। इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है ये मामला आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपकी समझ की बात है, मेरे समझ से बात नहीं है, उनसे मुझे कोई लड़ाई वाला बात नहीं है, क्योंकि वे पहले भी दो बार राजद गठबंधन से चुनाव लड़ चुके थे और नहीं जीते थे, भाजपा गठबंधन में आए तो चुनाव जीते, भाजपा के कार्यकर्ता उनको चुनाव जिताया। इस बार वे गठबंधन से अलग हो गए, तो जब गठबंधन से अलग हो गए तो वो अकेले हैं। हम एनडीए में हैं, हमारे साथ जदयू है, हम हैं जीतना मांझी की पार्टी है और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है, तो हमारा एनडीए का गठबंधन काफ़ी मजबूत है और जो मजबूत गठबंधन है उसका काफ़ी भी वोट है, तो इसमें वे लड़ाई में हैं, ये हमको उनसे लड़ाई नहीं है। और जहां तक भी आप बता रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे, उसमें कोई आनी पानी आने की उसमें गरज उसमें नहीं है। मेरा बीजेपी का कार्यकर्ता अटूट होता है, जब एक बार उस भगवा गमछा उसके कंधा पर रखा गया, भगवा वस्त्र पहन लिया, भगवा पर हो गया, जय श्री राम का नारा बोल दिया, तो वह कार्यकर्ता आग से एक भी इंच भी इधर उधर नहीं जाता है, चाहे उस पर कितना हो गर्म पानी पड़े ठंडा पानी पड़े उससे कोई अंतर उसको नहीं होता है। मेरा कार्यकर्ता अटूट है और आज भी है और रहेगा, तो इसलिए मेरे कार्यकर्ता दूसरा जगह गए नहीं। अब उनकी अपनी कार्यकर्ता होगा, कितनी कार्यकर्ता हुए जानते हैं, लेकिन मैं क्षेत्र में जो घूम रहा हूँ तो मुझसे उनसे कोई लड़ाई मेरा नहीं है। मेरा लड़ाई होगा तो कहीं महागठबंधन से होगा, उनसे लड़ाई मेरा नहीं है। लेकिन इनके बयानों को आप किस रूप में देखते हैं? एलजेपी के जो सुप्रीमो हैं अभी चिराग पासवान, वो कहते हैं कि बीजेपी और एलजेपी की सरकार यहाँ बनेगी बिहार में, और इसी मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को वो हराना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी और एलजेपी की लड़ाई। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आपको उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मनोहर मोदी जी ने आज से 3 दिन पहले चुनावी सभा में बोल दिए थे कि एलजेपी वोट कटवा है, ये वोट कट रहा है, ये सत्ता में आने वाला नहीं है, और वह जितना भी सीट से लड़ रहा हो एक भी सीट उसको मिलने वाला नहीं है। मैं भी दावा करता हूं, और सत्ता में बनाने के लिए और गठबंधन करके सरकार बनाने की ये तो सपना दूर है, ये सपना दूर है, उसको तो सत्ता में जीबे नहीं करेगा, वो जीतबे नहीं करेगा, क्योंकि गठबंधन किसी से मिलावे। मैं दावा के साथ कहता हूं कि इसकी एक भी सीट नहीं निकलेगा, और जब एक भी सीट नहीं निकलेगा तो चाबी उसके पास तो रहबे नहीं करेगा, तो सत्ता में कहाँ से जाएगा और सत्ता कैसे बनाएगा। इसलिए ये बात उसकी मैंने अपना ख्याली पुलाव है, और मैंने ख्याली पुलाव की वजह से वो सत्ता में जाने के लिए अपना कह रहा है, लेकिन वो सत्ता में जाने वाला नहीं है। वह 143 कह रहा है, 143 सीट पर अगर लड़ रहा है तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वो 21 सीट भाजपा के साथ भी लड़ रहा है, भाजपा के साथ भी लड़ रहा है, लेकिन वह सत्ता में जाने वाला नहीं है। तो आप अपना मुख्य मुकाबला इस सीट पे किसके देख रहे हैं? देखिए, हम अपना मुख्य मुकाबला महागठबंधन से देख रहे हैं, हमारे साथ वहीं लड़ेगा, चूँकि उसका एक भौगोलिक गठबंधन का अपना उसका वोट है, वह प्रत्याशी आए जाए नहीं रहे तभी उसका हमारे पास रहेगा। उसमें भी आपको एक हम बारीकी बात बताते हैं,
वह व्यक्ति जब पहले जो लड़ा था उसको 45 या 46 हज़ार वोट आया था, तो उसमें महागठबंधन का वोट था, तो उसमें उस समय हमारे जदयू थे, उसमें तो जदयू का 20-25 हज़ार वोट उस समय उसको मिला होगा। और इस समय वह जदयू निकल करके मेरे पास आया है, जदयू निकल करके मेरे पास आया है, तो वह शक्ति मुझे आया है और वह शक्ति उतना उसको हास हुआ है। तो हम तो अपने क्षेत्र में किसी से लड़ाई नहीं बुझ रहे हैं, हम तो एक तरफा अपनी लड़ाई से समझ रहे हैं कि मेरे पीठी पर कौन होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये भी बात होगा कि जैसे कि लोग कहता है कि एक स्कूल में एक लड़का से पूछा गया कि क्या पास किया है, तो कहा कि हम सेकंड पास किए हैं। तब तक एक आदमी पूछा कि उसमें विद्यार्थी कितना है, तो कहा कि दूगो। तो कोई फर्स्ट करेगा तो दूसरा का तो सेकेंड ही करेगा, दूसरा का तो सेकेंड ही करेगा, तो ये कौन लड़ाई में होगा मेरे पीछे। तो चूंकि उस अंतर काफ़ी रहेगा, काफ़ी अंतर रहेगा, बहुत दूरी रहेगा, इसलिए हम तो अपनी लड़ाई किसी को बूझते ही नहीं रहे। हम तो बूझ रहे हैं कि हम एक तरफा लड़ रहे हैं, अगर मेरी पीठी पर आने वाला भी होगा तो कुछ देर के लिए हम उसको महागठबंधन को मान रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार की राजनीति की जब बात होती है तो थोड़ा जातीय समीकरण पे भी लोगों की निगाह रहती है हर तमाम क्षेत्रों में। ब्राह्मण वोट का जो है यहाँ पे प्रभाव रहा है, तो ऐसे में महागठबंधन के पास भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और बीजेपी के पास भी आपके रूप में कैंडिडेट हैं, तो क्या इस तरह इस परिप्रेक्ष्य में जो है आप मानते हैं कि जो है आपका समीकरण ज़्यादा मजबूत है? देखिए, हम चूँकि धरती पर हैं और गोविंदगंज की धरती पर पैदा लिए हैं और बड़े हैं, पाले हैं और राजनीति करते हैं गोविंदगंज की धरती पर, कोई बाहर से आया और यातायात करके वो अपना किया, हम तो यहीं पर रहे, इसी मिट्टी में खेले हैं, इसी मिट्टी में पले हैं और इसी मिट्टी में आगे बढ़े हैं, और राजनीति में शुरुआत की है तो इसी मिट्टी पर किए हैं हम। अगर यहाँ से अगर बहुत बड़े भी हो जाएंगे तो मेरा घर जो इस गोविंदगंज की धरती पर वहीं पर रहेगा, मैं पटना दिल्ली में जाकर रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और बाकी कैंडिडेट तो आते हैं जाते हैं रहते हैं, दिल्ली में कोई रहेगा कोई पटना में रहता है, मुझे तो यहीं पर रहना है। बाकी उम्मीदवार का तो इस धरती पर जन्म भी नहीं हुआ होगा, अगर ब्रजेश पांडे को भी पूछिएगा तो इनका जन्म पटना में हुआ था, यहाँ तो इस धरती पर भी जन्म नहीं हुआ, पिताजी पटना में सर्विस में थे। तो ये बात नहीं है, ब्राह्मण और ब्राह्मण लड़ रहे हैं, 5-7 ब्राह्मण लड़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। मैंने गलत ना हूँ तो मैंने ये सुना है कि आपके रिश्तेदारों में से ही ब्रजेश पांडे? नहीं, ब्रजेश पांडे मेरे रिश्तेदार के नहीं हैं, वो मेरे रिश्तेदार में नहीं आते हैं। हाँ, मेरे घर से बगल के मैंने पंचायत के दो पंचायत बगल के वो हैं, लेकिन रिश्तेदार मेरे नहीं हैं। रवीश कुमार जी के भाई हैं वो, तो इस नाते उनको जो है कितना प्रभावी मानते हैं आप, चूँकि इस सीट की चर्चा जो है पूरे देश में होती है रवीश कुमार की वजह से? देखिए, रवीश जी पत्रकारिता करते हैं तो उनकी चर्चा दिल्ली में होती है, गोविंदगंज में हमको अंदाज है कि उनको 99% लोग नहीं पहचानता होगा, टीवी पर उनका चेहरा देखा होगा तो लोग कहता होगा कि गोविंदगंज के रहने वाले हैं, जितवारपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आम जनता उनको सड़क पर गांव में जिस गांव में रहते हैं जिस गांव में घर है, अगर मैं दवा के साथ कहता हूं कि ब्रजेश पांडे उस गांव का 50% लोगों को नाम धके चाल कर दें तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँगा, उनको ये भी जानकारी नहीं है। और ब्रजेश पांडे जी को अगर गोविंदगंज विधानसभा का अगर 33 पंचायत है, एक नगर पंचायत है, अगर इस टोटल नाम एक बार बोल दें तो ये भी हमको मैंने असंभव हो गया कि नाम उनको नहीं हुआ, चूँकि पिछले बार भी चुनाव लड़े हैं। तो चूँकि आप जब यहाँ पर नहीं रहेंगे तो कैसे आप किसी को जानिएगा, कैसे किसी को जानिएगा? आप मान लीजिए कि आप और ऐसे चल करके यहाँ पर आए हैं तो आपके साथ कोई व्यक्ति होगा जो रास्ता आपको बता दिया है, तो आप हमसे आप ही कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश पांडे तो चूंकि यहाँ पर मैंने है नहीं, चुनाव लड़े थे पिछली बार हार गए, फिर वे 5 साल आउट हो गए, तो जब तक उनको अपने गांव का लोग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अपने के बगल में वार्ड है, गांव है, कस्बा है, वहाँ के लोग चिन्हेगा तो पंचायत के लोग चिन्हेगा तो विधानसभा के चिन्हेगा। और जब आपको मान लीजिए गाँव का लोग ही नहीं चिन्हे, नहीं पहचाने, तो वार्ड का लोग नहीं चिन्हे, तो आप पंचायत का लोग आपको कैसे पहचानेगा? लेकिन बहुत दिनों से वो राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस का पार्टी से जो है वो राजनीति करते आए। देखिए, बहुत दिनों से सक्रिय हैं तो पटना के सक्रिय होंगे, दिल्ली में सक्रिय हैं, बहुत लोग हैं जो पटना और दिल्ली में सक्रिय हैं, हवाई बहुत नेता आते हैं जो पटना और दिल्ली से आते हैं और एकाएक आकर के चुनाव मैदान में आते हैं, तो पटना और दिल्ली में वो सक्रिय हैं, न कि गोविंदगंज में वो सक्रिय हैं।
गोविंदगंज में उनके कांग्रेस कमेटी का के नाम भी उनको नहीं मालूम होगा कौन कौन कांग्रेस कमेटी में है। कुछ विकास के मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। आपने पहाड़पुर क्षेत्र के तमाम विकास कार्यों के बारे में, सड़क और ये इन चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ जो तटबंध है, पिछली बार इस बार के देखा गया है कि बाढ़ में जो है बहुत सारे इलाके प्रभावित हुए हैं। जो चंपारण तटबंध का नाम है, उस तटबंध का प्रॉपर जो है उसको उसकी उस पर जो है मरम्मती का कार्य जो है बाढ़ से टूटने के बाद जो होता है, उसके बाद जो है प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। पिछले 15 सालों से बीजेपी और जेडीयू की सरकार रही है, तो ये काम क्यों नहीं हुआ और ये आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट वर्क है? देखिए, बीजेपी जेडीयू की सरकार जब मन थी तो काम होता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, काम हुआ है। बीच में हम 2 साल के लिए बीच में हम माने अलग हो गए थे, काम होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ होगा। सो उसकी हम लोग माने करते हैं कि चूँकि पानी नेपाल के द्वारा काफ़ी मात्रा में एकाएक छोड़ दिया जाता है, अगर एक एक रोज हट करके दो दो रोज हट के छोड़े तब मेरा बांध मजबूत है और बांध का मरम्मती बाढ़ आने के पहले भी होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है और हुआ है। लेकिन बाढ़ का मरम्मती बाढ़ आने के पहले बांध का मरम्मती होता है, लेकिन लगातार नेपाल जो पानी छोड़ देता है, और इस बार नेपाल का मानसिकता कुछ गजब था और लगातार 2 ही रोज में वो 13 लाख पानी छोड़ दिया, फिर कल होकर के छोड़ दिया। तो जब पानी एकाएक ज़्यादा हो गया तो ये ऐसे कितना हो कड़ा बांध बांधिएगा, तो हमारे यहाँ तो मैंने अपना अरेज प्रखंड में तो बांध टूटने की बात नहीं थी, लेकिन बांध उछल रहा था। अब उसे कितना ऊंचा किया जाए तो बांध पानी उछल रहा था, तो फिर बोरा में जो बालू भर कर रखा था तो उसके बांध रोका गया और ही हुआ। तो मैंने ऐसी बात नहीं है, नेपाल अगर पानी को कंट्रोल करे, अपना थोड़ा थोड़ा पानी अगर छोड़े तो बहुत दिक्कत नहीं होगा। आ इस बार बारिश भी ज़्यादा हुआ है, इसलिए नेपाल भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाया, पानी छोड़ दिया, फिर भी मेरा बांध मजबूत रहा है। भवानीपुर के नज़दीक टूटा इस बांध को और हाइट करने की जैसी सोच क्या जो है ये कारगर नहीं होगी यहाँ पे? नहीं, देखिए बांध के हाइट करने से को मैंने बहुत मर्जी नहीं है कि बांध के, वो तो बांध पर पास हो गया कि उसका पिचिंग भी होगा कहीं। उसमें जो नदी में सिलेट है, उसको अगर काट के हटाया जाए, जो पिछले 5 साल के पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय उसको पास हुआ था, तो उसके वाजपेयी जी के सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने उसको रोक दिया, वो नहीं हुआ। अब फिर इस बार नरेंद्र मोदी जी के पास हम लोग इस बात को रख रहे हैं, उस स्लेट को काट दिया जाए और नदी को नदी से जोड़ने वाला जो योजना वाजपेयी जी चलाए थे उसे जोड़ दिया जाएगा अगर, तो ये बाढ़ की समस्या बहुत हल हो जाएगा। अस्पताल से जुड़ी तमाम समस्याएं जो है सुनने को मिलती है, तमाम खबरें आती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लोग अक्सर आवाज़ उठाते नज़र आते हैं, तो स्वास्थ्य का के क्षेत्र में जो है किस तरह का बदलाव देखने को मिलेंगे अगर आप इस बार जो है विधायक बनते हैं? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, ये कोरोना काल में हम लोग उनसे बात किए और अरे राज्य के रेफरल अस्पताल है, उस रेफरल अस्पताल में हम लोग से जब बात हुआ तो वह कहा कि 16 डॉक्टर भेजे और 20 ANM आया है, नया ANM आया है और 16 डॉक्टर आया है। सुदूर देहात में भी 2-3 माने हमारा PSC है, वहाँ पर भी डॉक्टर का डिप्टेशन हो गया है। लेकिन मलाही में एक खबर आई थी कि जो है वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, इसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, देखिए डॉक्टर वहाँ जाते हैं, रहते नहीं हैं, चूँकि देरा क्षेत्र है, वो कहीं डर जाते हो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर डेली जाते हैं और मलाही में डॉक्टर डेली रहते हैं। वहाँ पर तो ये आपको अरे राज में ANM का एक कॉलेज भी खुल गया जो उसको पढ़ाई भी होगा, उसके बाद कोरोना का जो एक अलग से हॉस्पिटल खुला, 30 बेड का, ये तमाम सुविधा अरे राज में है। और मलाही का भी हॉस्पिटल माने अच्छा ढंग से चल रहा है, डॉक्टर भी वहाँ पर है और डॉक्टर भी जाता है। जैसे भी हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत भी आता है तो हम लोग चूँकि अपने हमारे मंत्री हैं मंगल पांडे जी, तो उनसे हम लोग संपर्क करते हैं और तुरंत कार्रवाई करके वाई कर देते हैं। अगर सुनील मणि तिवारी जी गोविंदगंज से विधायक चुने जाते हैं तो पहली प्राथमिकता इनकी क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो मेरी, हम जिस समय अगर मान लें चुनाव जीत जाते हैं तो गोविंदगंज को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे,
जो बहुत भ्रष्टाचार का मतलब है कि जो कहीं कहीं कुछ दलाली प्रथा है उसको हम समाप्त करेंगे। उसके बाद हम सुदूर देहात के रोड पर ध्यान देंगे, गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को हम बैठाएंगे, भाई इतना पैसा है इस पर आप बताइए कि हम रोड को कितना बनाएं। मैं नहीं बात है, चूँकि रोड चूँकि हम चल रहे हैं, खुद हम अपने देख रहे हैं, तो हम रोड की प्राथमिकता देंगे। और इसके बाद हम एक प्राथमिकता हमारे मन में है कि हम गोविंदगंज, चूँकि हमारा गोविंदगंज नाम जो है वो पहले बहुत बाजार था, बहुत बड़ा बाजार था, जो नदी के रास्ते से वो आवागमन उस समय होता था, वहाँ पर मार्केट लगता था, उससे सामान आता था नदी के माध्यम से। तो अब वो बाज़ार माने छिन्न-छिन्न अवस्था में समाप्त हो गया है। तो हमारी कोशिश होगी, चूँकि उस गोविंदगंज से गोविंदगंज थाना है, और गोविंदगंज थाना चूँकि अब सलाह में है, लेकिन गोविंदगंज थाना से नाम है, गोविंदगंज विधानसभा उसी विधानसभा उसी नाम से प्रचलित है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि गोविंदगंज के सामने एक घाट पर एक पुल बना दूँ, ताकि गोपालगंज की दूरी मेरा 10 किलोमीटर हो जाए, 12-15 किलोमीटर हो जाए अरेरा से। इसकी भी मैं प्राथमिकता रखूंगा, और इसकी चर्चा भी पहले मैं कर चुका हूं, और इसकी प्राथमिकता मेरी होगी कि एक बड़ा काम मैं ये करूँ कि ताकि गोपालगंज जाने के लिए ये सुविधा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मणि तिवारी जी हमसे बात करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। तो दर्शकों, ये थे बीजेपी गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार सुनील मणि तिवारी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार इनके क्या मुद्दे हैं और क्या विज़न लेकर के ये जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।